तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एक्सेल के ऑप्शंस के बारे में। जी हाँ, एक्सेल ऑप्शंस। क्या एक्सेल ऑप्शन में क्या है कि जब हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको चेंज करने से हमारा काम करने में थोड़ी सी सहूलियत होती है, ये चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं राकेश जी। सबसे पहले अनेबल लाइव प्रीव्यू, जैसे कि आप यहाँ को भी कलर अप्लाई करते हैं, प्रीव्यू दिखता है ना सर? ऐसी फॉर्मेटिंग है, कई सारी जगहों पर उसकी प्रीव्यू दिखता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी सेटिंग चेंज की कर दी जाती है यहाँ से। अगर आपने यहाँ से अनचेक कर दिया तो आपको फिर ये फीचर्स नहीं दिखेगा। ओके okay? उसके बाद आता है कोलैप्स रिबन ऑटोमेटिकली, दिख रहा है आपको सर? ये क्या होता है, जैसे कि अगर हमने इस पर क्लिक करके ओके कर दिया तो ये जो आपका रिबन है ये दिख रहा है आपको, ये कोलैप्स हो गया। ओके दिख रहा है? हाँ। इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, फिट हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ से ऑटोमेटिक होती है, तो आप यहाँ से इसको अनचेक तो वो डबल क्लिक कहीं भी करने से हो जाएगा, डाटा पे करने से होगा, कहीं भी करने से होगा। अच्छा। उसके बाद किसी भी कर्सर, किसी भी ऑप्शन पे आप कर्सर रखते हैं तो आपका इसका स्क्रीन टिप्स आता है। स्क्रीन टिप्स से पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेल हेल्प के बारे में। क्या है सर कि आपको एक्सेल में अगर किसी चीज में प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग ही नहीं आता है, या आपको आता था बट आप भूल गए, कंडीशन फॉर्मेटिंग आपको आता था बट आप भूल गए, जस्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग में अपना कर्सर रखिए, आप देखिए कंडीशन फॉर्मेटिंग आपको दिख रहा है इजीली स्पॉट, इसके बारे में एक पैराग्राफ दिख रहा है, नहीं समझ में आया टेल बी मोर पे क्लिक कीजिए, आपको एक्सेल हेल्प खुल के आ जाएगा। आ गया खुल के सर? हां खुल के आ गया। तो इसमें आप अपना चीजें देख सकते हैं, इसे पूरा पैराग्राफ आपको दिखेगा इस तरह से दिख रहा है। ओके। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब हम सर्च करते हैं, जब हम कुछ प्रॉब्लम होती है तो गूगल पे सर्च करते हैं, ये हमारा आपका दोनों का हैबिट होता है ना सर? करेक्ट करेक्ट। क्यों? क्योंकि गूगल पे हम सर्च करने से मना नहीं करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आप उसको प्रायोरिटी ना दें, क्योंकि गूगल पे जो चीज़ें आती है वो 100% प्रूफ रीड नहीं होती है, वो हम जैसे आप जैसे लोग आर्टिकल एंड वेबसाइट के जरिए शो करते हैं, दिस इज नॉट प्रूफ रीड। करेक्ट सर। ओके तो आप उसको एक्सेल हेल्प में सर्च करें, जैसे कि मुझे मान लीजिए लिमिट पता करना है कि एक्सेल के किस फीचर्स की क्या लिमिट्स हैं, तो सर्च पे जाइए, यहाँ लिमिट को सर्च कीजिए, लिमिट आ गया आपको 10 रिजल्ट्स ऑफ द लिमिट्स, यहीं पे क्लिक कीजिए, आपको यहीं पे आपको दिख जाएगा एक्सेलिफिकेशन एंड लिमिट्स। तो इसमें आपको हर फीचर्स की मैक्सिमम लिमिट कितने वर्कबुक कितने रो एंड कॉलम, कॉलम विड्थ रो हाई एवरीथिंग। अब इसमें पढ़ने की एक आपको जो इसको एज ए मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बट इसको कैजुअली पढ़ लीजिएगा। ओके। ऐसा इसलिए जैसे यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कंटेन, मतलब एक सेल में आप कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते। अब मुझे किसी ने पूछा था कि सर इफ फॉर्मूले में हम नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ हम कितना लगा सकते हैं, समझे? तो हमने बोला कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर जो टाइप कर रहे हो अगर उसकी करेक्टर 32,767 से ऊपर जाती है तो आपका फॉर्मूला वर्क करना बंद कर देगा। बंद कर देगा, ठीक है? Okay. क्योंकि फॉर्मूला फॉर्म में हो या नॉर्मल डेटा फॉर्म में हो 32,767 करेक्टर ही एक सेल में टाइप कर सकते हैं। okay. तो ये चीजें पता होगी तभी बताएंगे ना सर। तो एक बार इसको कैजुअली पढ़ लीजिएगा। दूसरा हम बात करते हैं शॉर्टकट्स। देखिए शॉर्टकट्स मैं बहुत कम यूज करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कीबोर्ड पे क्या प्रेस किया आपको नहीं ना दिखेगा, माउस से तो पता चल जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए शॉर्टकट की पहली दूसरी क्लास में शॉर्टकट के बारे में समझा देता हूँ कि कहाँ से शॉर्टकट okay. पाएंगे। एक्सेल हेल्प पे क्लिक कीजिए, शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल दिख रहा है ना? हाँ। क्लिक कीजिए, आपको सारे शॉर्टकट्स दिख जाएंगे, आपको सारे शॉर्टकट्स। ओके। अब इसको रट्टा मारने से तो होगा नहीं, बट इसके प्रिंट आउट निकाल के अपने डेस्कटॉप लगा दीजिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम माउस यूज करना। अब माउस यूज करना कोई बुरी बात नहीं है सर,
आप समझ, इमेजिन कीजिए कि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और ओके उसको एक्सेल में सारी चीजें खटाखट 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 कर रहा है, कोई भी ओके बंदा हाँ देख के इम्प्रेस हो जाएगा ना सर। सही बात। तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं, जब हम इस पे कर्सर रखते हैं तो इसका स्क्रीन टिप्स आता है। अब जब मैं इंटरव्यू लेता था तो स्क्रीन टिप्स को डिसेबल कर देता था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं किसी चीज के बारे में पूछूं तो कोई तुक्का या अंदाजा न लगा सके। ओके। या कभी कभी क्या होता है, हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, जैसे मुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको कर्सर रखते हैं नीचे, इसका आ जाता है तो हिडन हो जाता है। ओके। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट को हटा सकते हैं, यहाँ डोंट शो स्क्रीन टिप्स। ओके। उसके बाद यहाँ आता है बॉडी फॉन्ट, ये आपका फॉन्ट दिख रहा है, कैलिब्री डिफॉल्ट फॉन्ट है। अब हर कोई कैलिब्री डिफॉल्ट फॉन्ट यूज कर तो करता नहीं है, हर किसी का अपना अलग अलग फॉन्ट है ना सर। सही बात। तो यहाँ से आप जो है यूज दिस फॉन्ट, यूज दिस द डिफॉल्ट फॉन्ट करके आप यहाँ पे अपना फॉन्ट चूज कर सकते हो, आपके एक्सेल की डिफॉल्ट फॉन्ट हो जाएगी, हर फाइल में चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ लिखा हुआ है व्हेन यू क्रिएटिंग वर्कबुक, जब आप वर्कबुक क्रिएट करते हैं, नहीं ठीक है, ऐसे नॉर्मल व्यू नंबर ऑफ शीट्स, कितने एक बार जब कंट्रोल एन करते हैं नई फाइल आती है तो कितने शीट्स आने चाहिए, बाय डिफॉल्ट 1 या 3 होता है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो देना चाहे दे सकते हैं। ऑथर नेम, लास्ट क्लास में हमने ऑथर नेम के बारे में बात की थी कि फाइल को किसने बनाया है कैसे पता चलेगा, ठीक है ओके। तो यहाँ आपके ऑथर नेम दिख रहे हैं आपको, ऑथर नेम यहाँ से ऑथर नेम चेंज करते हैं। दूसरा आता है थीम, अभी थीम कलरफुल है, अगर मैं डार्क ग्रे कर दिया तो डार्क ग्रे इस तरह से हो जाएगा। ओके। अब क्या हुआ है कि एक लड़की में पढ़ा रहा था और उसने मेरे एक्सेल देखा, बोला सर आप कोई और एक्सेल पढ़ा रहे हैं, मेरे पास कोई और एक्सेल है। हमने बोला हम आपके पास कौन सा एक्सेल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ने स्पेशली आपके कोई और एक्सेल बनाया है क्या? नहीं नहीं सर, मेरा एक्सेल तो लेटेस्ट वर्जन ही है लेकिन दूसरा कोई एक्सेल है। बोले ये क्या बात है, आपको माइक्रोसॉफ्ट ने नया एक्सेल बना के दे दिया, हमने दिया ही नहीं। तो उन्होंने दिखाया कि सर मेरा पूरा ब्लैक ब्लैक है, आपका कलरफुल है। ओके। और लीजिए हम भी अपना ब्लैक कर देते हैं। तो एक चीजें यहाँ से हो, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो देख क्या और किसी सिस्टम इस तरह का एक्सेल देखे तो आप ये मत सोचिए कि वो कोई और एक्सेल यूज कर रहा है, उसने अपना थीम चेंज कर रखा है, ठीक है। यूज सिस्टम सेटिंग भी एक नया ऑप्शन है इसमें, तो सिस्टम की सेटिंग के अकॉर्डिंग आपका आ जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो उसके बाद अब एक्सेल ऑप्शन में यहाँ बढ़ते हैं फॉर्मूले पे। अच्छा, जनरल जनरल में फर्स्ट थ्री जो था, पहला तीन जनरल में ही इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए सेटिंग्स के अंदर आपको सारी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, सेटिंग्स क्या है, सेट की गई है ना, तो जिसकी जरूरत है तो उसको रखना ही है ना सर, जिसको चेंज तो करने से हमें बेनिफिट हो हम उसी में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है पूरा, ठीक है, ओके, हम लोग जा सकते हैं। हाँ, फॉर्मूला में आते हैं तो फॉर्मूला में एक आता है R1C1 रेफरेंस स्टाइल, मतलब जो ये ABCD दिख रहा है ये आपका 1 2 3 हो जाएगा। हेलो, 1 2 3 हेलो, आवाज आ रही सर? आवाज रुक गई थी। हाँ, R1C1 ऊपर में दिख रहा है। हाँ, मतलब कि R1C1, एक मिनट मैं दोबारा दिखाता हूँ। हमने एक्सेल ऑप्शन के अंदर फॉर्मूला में गया और ये देखिए R1C1 अनचेक होता है बाय डिफॉल्ट, हमने चेक कर लिया। ओके। चेक करते ही क्या हुआ कि आपका दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5। हाँ, ये ABCD था पहले, राइट? अच्छा, हाँ, ABCD था पहले। इस पे कर्सर रखने पे यहाँ A1 दिखता था ना, इंडिकेट करता है सी कॉलम को इंडिकेट करता है, प्लस आगे की तरफ और माइनस पीछे की तरफ। करेक्ट। तो इसने बोला कि 4 रो नीचे, मतलब कि आगे की तरफ 4 रो और माइनस 3, मतलब 3 रो पीछे की तरफ। समझ गए? करेक्ट।
इसका वैसे यूज, पहले वाला ही ठीक है, ऐसा हाँ डिफिकल्ट तो लग रहा इसका है। यूज हम लोग करते हैं कब, जब हम ऑफसेट का यूज करते हैं अपने वीवीए में, तो हेल्प के लिए उसका जरूरत पड़ता है। और ओके इसका ओके यूज मैंने किया था एक जगह एक टाइम में, क्या हुआ था कि हमारे हम एक सीए फॉर्म में काम करते थे, तो सीए फॉर्म में प्रॉब्लम क्या थी कि उसके पास बहुत ज़्यादा डेटा था, बहुत बड़ा लंबा डेटा था। अब ओके गवर्नमेंट का वो डेटा था, अब उसकी प्रिंटआउट निकाल के हमें गवर्नमेंट में विजिट में जाना था। तो अब ओके प्रॉब्लम थे कि हमारे पास जो प्रिंटआउट थे वो A1 साइज के पेपर्स निकालते थे। ओके अब एक प्रिंट आउट करना है, आसपास में कोई प्रिंट आउट का सुविधा नहीं, तो ओके करें क्या? तो हमने क्या किया कि प्रिंट करते समय हमने यहाँ पेज लेआउट में सेलेक्ट कर लिया हेडिंग। ओके हेडिंग करने से क्या हुआ कि ये आपका प्रिंट में 1 2 3 1 2 3 नंबर्स भी आ गए। ओके फिर उस ऊपर के सीक्वेंस और नीचे के सीक्वेंस को मिला के हमने एक बड़े से चार्ट पेपर में सब कुछ चिपका दिया। फिर हमने जहाँ पे मैप की फोटो स्टेट होती थी ना, वहाँ गए और एक बड़े से चार्ट पेपर में उसको फोटो स्टेट कर दिया। ओके तो इसका यूज मैं उस समय किया था सर, उसके अलावा कोई यूज नहीं किया हमने। ओके अब आता है एनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग। जैसे कभी भी कुछ टाइप करते हैं या कुछ भी गलत होता है, तो यहाँ कुछ तरह इस तरह से ऊपर ग्रीन कलर का मैसेज आता है, दिख रहा है ग्रीन कलर से? हाँ, ग्रीन कर्सर आ गया, बट जैसे वो टिक्स कर्सर, के टिक्स हाँ जैसे कर्सर, वो हम बता रहा हूँ आपको, जब कर्सर रखते हैं तो ये बताता है कि हमने क्या गलती की है। नंबर स्टोर एज ए टेक्स्ट, वैसे ऐसा नहीं कि नंबर। हमने टेक्स्ट में लिख दिया तभी आएगा, ये हर तरह के एरर में शो करता है, ओके ठीक है, हर तरह के एरर, राइट। इसमें कन्वर्ट टू नंबर कीजिए तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, सोल्यूशन है, या आप जो है इग्नोर एरर कर देंगे तो हट जाएगा। तो ओके इग्नोर एरर जब नहीं किया, सिर्फ इस सेल के लिए हटा, किसी और सेल पे फिर आ जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरे एक्सेल में दिखे ही नहीं, तो हम फॉर्मूला बार में जाएंगे और यहाँ इसको अनचेक कर देंगे। अनचेक करते क्या होगा कि आपकी किसी भी फाइल में, क्योंकि आप जो सेटिंग चेंज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फाइल का नहीं, पूरी की पूरी एप्लीकेशन का कर रहे हैं, राइट 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 तो पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन हमारी चेंज हो रही है, ओके okay। तो यहां से हम चेक कर सकते, लेकिन ध्यान रखिए किसी और के सिस्टम पे जाएगा तो वहां दिख जाएगा कि उसका ये अनेबल चेकिंग एरर जो होगा वो अनचेक होगा ना, चेक होगा, सॉरी। ओके डेटा में कुछ खास नहीं है, हम आते हैं प्रूफिंग में। प्रूफिंग में आप ऑटो करेक्ट बना सकते हैं, ऑटो करेक्ट। जैसे मैं चाहता हूं मैं डीएल लिखूं तो न्यू दिल्ली बन जाए, ठीक है, दिए लिखूं तो अच्छा न्यू दिल्ली बन जाए। हमने इसको ऐड कर, ओके अब एक्सेल की किसी भी फाइल में मैं कैप्स में एनडी लिख के स्पेस मारूंगा, तो डीएल लिख के स्पेस मारूंगा तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। ओके तो इसी तरह के जो बड़े बड़े सेंटेंस हैं या कुछ ऐसे बड़े बड़े जो आपके शब्द हैं, साइंटिफिक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग भूल जाते हो, उसकी आप ऑटो करेक्ट में उसका एक शॉर्टकट बना सकते हो। जैसे मैंने बना दिया MS, ठीक है, MS को हमने बोल दिया मंथली सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। ओके अब इसको ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे MS लिख के स्पेस मारूंगा तो देखिए मंथली सेल्स रिपोर्ट आ गया, करेक्ट। और इस किसी भी एक्सेल फाइल में इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है, जैसे मैं kumar@iptindia.com हम यहाँ लिखते हैं, ओके तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, URL में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके क्योंकि मेरे एक्सेल की सेटिंग थोड़ी सी चेंज है। क्या सेटिंग चेंज है? हमने यहाँ प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन में एक यहाँ देखिए, ये बाय डिफॉल्ट जो है ऑटो फॉर्मेटेड टाइप चेक होता है, ये चेक होता है। ओके
तो चेक रूम से क्या होता है कि जब किसी इंटरनेट या किसी तरह के ईमेल आईडी आप लिखेंगे, क्या होगा, इस तरह के लिंक लग जाएगा। राइट राइट राइट, ये गलत होता है क्योंकि तो जब चेंज करना चाहते हैं तो क्लिक हो जाता है, आउटलुक खुल जाता है। तो यहाँ ऑटो करेक्ट में जब इसको अनचेक कर देंगे तो नहीं होगा। सेव पे आते हैं तो आप अपने फाइल की डिफॉल्ट सेव का टाइप यहाँ चेंज कर सकते हो, अपना पाथ चेंज कर सकते हो कि मेरा फाइल, जैसे आप कंट्रोल एस करते हो तो बाय डिफॉल्ट माय डॉक्यूमेंट शो होता है ना सर। राइट राइट, तो आप माय डॉक्यूमेंट में सारी फाइल को सेव करते नहीं हो, तो यहाँ पे वो चीजें डाल दो जहाँ आप उसको सेव करते हो। ओके ठीक है, और यहाँ पे उसका सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। Okay. तो सेव, जैसे मैं यहाँ डी ड्राइव का पाथ कॉपी पेस्ट कर दिया तो डी ड्राइव शो। लैंग्वेज में कुछ खास नहीं है, इजी टू एक्सेस भी इसमें कुछ करना नहीं है। एडवांस, एडवांस में हमारे पास कुछ नई चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करते कर्सर डाउन जाता है ना, आप चाहते हो मेरा कर्सर कहीं भी ना जाए, ना डाउन, जहाँ पर टाइप हुआ वहीं पर आ जाए, इसको अनचेक कर देंगे। okay. या फिर डाउन की जगह पर लेफ्ट राइट अप जाए, यहाँ चूज कर सकते। उसके बाद जैसे आप कुछ टाइप करते हो जब, तो यहाँ पे अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया ऑटोमेटिक इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट, अब मैं एक्सेल सीट में कोई भी नंबर लिखूंगा वो 100 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब मैं 500 लिखूंगा तो 5 शो होगा। ओके, उसके बाद आप जो ड्रैग करते हो ना पकड़ के, यहाँ से ले कर्सर लिया और नीचे या पॉइंट लेके नीचे ड्रैग कर देते हो, अगर मैंने इसको अनचेक कर दिया अनेबल फिल हैंडल सेल्स ड्रैग एंड ड्रॉप, तो क्या होगा, ये आपका ड्रैग एंड ड्रॉप हट जाएगा, ऑप्शन आएगा नहीं। okay. इस तरह से कुछ कुछ चीजें हैं, अब ये सारी चीज जरूरत की है, इसको अनचेक करना कोई जरूरी नहीं है। ओके, एक कुछ और चीजें हैं, चलिए बताइए, जैसे शो फॉर्मूला बार दिख रहा है आपको सर। ओके, ये देखिए। ओके, फॉर्मूला बार जो दिख रहा है यहाँ से आप हटा सकते हो। फंक्शन स्क्रीन टिप से, फंक्शन लिखते स्क्रीन टिप्स होता है वो हटा सकते हो। राइट टू लेफ्ट, अभी क्या है लेफ्ट टू राइट है, इसको मैं ऊपर रख के दूंगा तो फिर ये सीट जो है इधर आ जाएगा और ये जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, इधर से चलेगा। ओके ओके, फिर आपका अब आता है किसी पर्टिकुलर वर्कबुक पे, जैसे अभी बुक वन सेलेक्ट है ना, तो बुक वन का हॉरिजॉन्टल बार, वर्टिकल बार, सीट के नेम ये वगैरह हाइड कर सकते हो। इसके अंदर शीट्स हैं, इस बुक वन के शीट्स में आप सीट के कॉलम का हीडर जो है वो हटा सकते हो, राइट टू लेफ्ट कर सकते हो, शो पेज ब्रेक कर सकते हो, जीरो को जीरो वैल्यू को शो कर सकते हो या हटा सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि आपके एक्सेल में आपके सीट वन पे किसी तरह का जीरो ना दिखे, जीरो रहे बट दिखे नहीं, तो यहाँ से अनचेक कर दें। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है एडिट कस्टम लिस्ट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। एडिट कस्टम लिस्ट अब क्या है, जैसे आप अपने अपने एक्सेल में आपने यहाँ पे नाम ए लिखा, जैन लिखा, तो नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, जैन का 5 आ जाएगा ना। ओके, आपने यहाँ पे संडे लिखा तो संडे मंडे आ जाता है। okay. क्या हम किसी का नाम लिखे तो क्या होगा, जैसे मैंने लिख दिया पूजा, तो आपके सिस्टम में पूजा पूजा आएगा बट मेरे सिस्टम में लिस्ट ऑफ टीम आएगी। आई सर, okay. कैसे आया, क्योंकि हमने एक्सेल ऑप्शन में कस्टम लिस्ट में अपना लिस्ट ऐड कर रखा है। सॉरी, एडवांस में कस्टम लिस्ट में, लिस्ट में हमने यहाँ पे न्यू लिस्ट पे गया, टाइप कर जैसे इसे देखे टाइप कर रखा है, सिटी की लिस्ट बना रखी है, जैन फैब का बना रखा है, ये पे पीडीएफ, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं ना सर, यहाँ एक्टिव नहीं हो रहा, वो पी सिस्टम डिफाइन, और नीचे वाला चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये इस पे चेंज कर सकते हैं। और नई लिस्ट बनानी हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से अपना टाइप कर दीजिए, या फिर अगर कहीं सीट पे टाइप है तो सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर दीजिए। अच्छा, अब इसका यूज सिर्फ लिस्ट में नहीं, अब इसका यूज दो चीजों में होता है, ऐसे जैसे कि आप एक्सेल में जैसे कोई लिस्ट आपके पास ऐसी लिस्ट है जिसको बार बार आप कॉपी पेस्ट करते हो या टाइप करते हो, जैसे सिटी लिस्ट हो गया, क्लाइंट लिस्ट हो गया, प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, एरिया लिस्ट हो गया, ऐसे लिस्ट को आप यहाँ बना सकते हैं, पहले चीज। दूसरी इसमें ये है
कि इसका यूज़ हम लोग शॉर्टिंग में करते हैं। इसके मान लीजिए मुझे शॉर्ट करना है अल्फाबेटिक नहीं करना है, कैलेंडर ईयर अकॉर्डिंग करना है, फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग करना है, या मुझे अपने पर्सन के नेम के अकॉर्डिंग करने हैं, तो ये लिस्ट का यूज़ हम वहाँ पर भी करेंगे। तो आगे की क्लास में इसको मैं समझाऊँगा डिटेल में। अच्छा, ये तो टेक्स्ट सब हो गया। मान लीजिए 1-2 लिखते हैं और उसको ड्रैग करते हैं तो 3-4-5 तो ऐसे भी आ जाता है, 1-2 रिजल्ट है नहीं। हाँ मतलब आ जाता है। अब बात कीजिए, अगर आप एक थोड़ा सा अपने हिसाब से आइडेंटी करके देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से आइडेंटी करके देख लीजिएगा। ओके ठीक है, हमने कभी टेक्स्ट यूज किए नहीं है तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। ओके सर, क्या बोलते हैं, नंबर यूज किए नहीं, सिर्फ टेक्स्ट यूज किया। ओके अब कस्टमाइज रिबन की बात करते हैं। जो हमारा रिबन है ना सर, उसको भी कस्टमाइज किया जा सकता है दो तरीके से। जैसे अब देखिए, ड्रॉ मैंने यहाँ से अनचेक कर रखा है, तो यहाँ पे ड्रॉ का टेबल मेनू बार नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ओके नहीं, तो जिस मेनू बार को आपको अनशो करना है, डेवलपर टैब आपके सिस्टम में नहीं होगा, क्लिक कीजिए आ जाएगा। तो यहाँ से किसी भी होम टैब को हाइड कर सकते हैं या अनहाइड कर सकते हैं, हाइड और अनहाइड दोनों कर सकते हैं यहाँ से। ओके ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है कि इसमें जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कमांड नॉट इन द रिबन दिख रहा है, मतलब कि इतने कमांड जो है आपके रिबन में डायरेक्टली नहीं है। तो अब इसमें से कोई आपको जरूरत पड़ गया। ओके जैसे कि पेस्ट एज ए लिंक, तो ये पेस्ट दिखता है, पेस्ट एज ए हाइपर लिंक होगा ऊपर में है, थोड़ा सा ऊपर में पेस्ट एज ए हाइपर लिंक, ये यहाँ पे नहीं चीज है, नहीं है। तो आप होम टैब में इसको डाल सकते हैं। देखिए होम टैब में कहाँ डालोगे, मैं सोचता हूँ कि मैं इसको क्लिप बोर्ड में डाल देता हूँ, नहीं डाल पाओ। ओके क्लिप बोर्ड के अंदर हम चाहते हैं इसको हम पेस्ट में डाल दें, नहीं डाल सकते ठीक है। तो पेस्ट के अंदर ही एक यहाँ न्यू ग्रुप बनाएंगे, बनाएंगे न्यू ग्रुप, इसका रिनेम कर दीजिए, रिनेम हाइपरलिंक, और इसमें अगर कोई आपके पास ये है आइकन चूज करना चाहते हो कि क्या आइकन होना चाहिए इसका, वो आइकन डिसाइड कर लो आप। हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है ठीक है, एंड यहाँ से ओके कर देंगे। या आप न्यू टैब में एक नई टैब भी बना सकते हो, अपने फीचर इसी तरह से एक चीज को ऐड कर सकते हो, एंड ओके। अब देखिए होम में पेस्ट में, होम में पेस्ट करना है, पेस्ट में था ना, अलग से बन गया था एक्चुअली अब तक। हाँ अलग से, लेकिन बन के गया कहाँ, होम के अंदर ही होना चाहिए अलग से। हाँ पेस्ट पे, पेस्ट से कॉपी, पेस्ट पेस्ट से पेन पर, पेस्ट स्पेशल में तो नहीं है, एनालाइज डेटा यहाँ आ गया। हैंड का निशान दिया है मुझे, एक मिनट नहीं दिख रहा है ना सर, दोबारा कर लेते हैं। हाँ तो यहाँ कस्टमाइज रिबन बनाते हैं, होम क्लिप बोर्ड, ऑफिस क्लिप बोर्ड, पेस्ट, नहीं ऐड हुआ सर। हाँ बाय चांस नहीं है, दोबारा करना पड़ेगा। हाँ तो हम यहाँ होम में ऐड कर लेते हैं न्यू ग्रुप, और यहाँ हम इसको रिनेम कर देते हैं हाइपरलिंक।
ठीक है। और ओके इसमें हम नॉट कमांड इन गिवन में आते हैं, तो एक ऐसा हाइपर ले लेते हैं। ओके ओके तो ऑटो पे आ गया है। अब वो मैं दिखेगा ना। हाँ, आप कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे हाइपरलिंक एक्टिवेट हो जाता है, पेशेंट हाइपरलिंक। लेकिन ये यहाँ नहीं होगा, किसी और जगह पे होता है, किसी और ओके स्क्रिप्ट पे होता है, पेशेंट हाइपरलिंक इसका जो होता है। इसमें हम आगे बताते हैं आपको आगे की चीज। तो ऑप्शन में एक होता है कि हो गया आप क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से कोई ऐसा चीज़ है जो रख सकते हैं। ओके जैसे कि आप यहाँ पे ऑटो ऑटो सेव है अंडो रीडो, चार ऑप्शन है। आप इसको हटा के चार या पांच या छह जो है वो चीज़ें रख सकते हैं जो आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो। ओके तो उससे क्या होगा कि आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं, ऊपर ही क्लिक कर दो और यूज कर सकते हो। ठीक है सर। तो आज जो है हमने एक्सेल ऑप्शन, मतलब हम फाइल मेनू बार को हमने फिनिश कर लिया। छोटी छोटी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें पहले से पता थी, कुछ चीज़ें नहीं थी, तो उस चीज़ें हमने इसलिए कवर किया आपको बेसिक से। तो हम बात करेंगे होम मेनू बार में, हम बात करेंगे क्लिप बोर्ड पेस्ट स्पेशल एंड एडवांस पेस्ट स्पेशल की, जो कि हम कल से आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लें।